एल्गोरिदम टू मल्टीप्लाई थ्री नंबर्स, मतलब कि हमें प्रोग्राम ऐसा बनाना होगा कि हम थ्री नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करें। तो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम सबसे पहले एल्गोरिदम बनाएंगे। तो उसका पहला स्टेप है स्टार्ट, और दूसरा स्टेप है एंटर द नंबर, मतलब कि हम पहला नंबर एंटर करवाएंगे और उसको हम नम वन नम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इसलिए हमने पीसी में जब एंटर नंबर करवाया है तो हम उसको स्कैन करने के लिए कहेंगे रीड नंबर वन। देन उसका फोर्थ स्टेप है प्रिंट एंटर सेकंड नंबर, मतलब कि हमने फर्स्ट नंबर एंटर करवाया ऐसे ही सेकंड नंबर एंटर करवाएंगे और थर्ड नंबर भी एंटर करवाएंगे। तो जैसे हमने पहला नंबर नम वन में स्टोर किया वैसे ही दूसरा नंबर नम टू में स्टोर करेंगे और तीसरा नंबर नम थ्री में स्टोर करेंगे। और जैसे हमें पता है कि हम थ्री नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो तीनों नंबर के बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिम्बल लगाते हैं और फिर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम रिजल्ट में स्टोर करेंगे। स्टेप एट में आएगा रिजल्ट इज इक्वल टू नम वन स्टार नम टू स्टार नम थ्री। यहाँ पे जो स्टार है वो पीसी के लिए मल्टीप्लीकेशन का सिम्बॉल है, इसलिए हम स्टार यूज कर रहे हैं। फिर ये रिजल्ट में हमने वैल्यू स्टोर तो करवा दी, तो हम उसको इसके बाद प्रिंट करवा देंगे। तो स्टेप नंबर नाइन प्रिंट रिजल्ट, और यहीं पे हमारा एल्गोरिदम खत्म होता है। तो हम फाइनल स्टेप में कहेंगे एंड ऑफ एल्गोरिदम।